और बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूपनगर जो कि पंजाब का इलाका है, जहां पर 3.2 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटकों से धरती हिल रही है, और अब ये एक और घटना है जहां पर रूपनगर में 3.2 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। रात में ये भूकंप आया था 1:13 पर। बीती रात को ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इस बात को बताया कि ये 3.2 की तीव्रता का भूकंप था। हालांकि ये बहुत तेज झटका नहीं था, लेकिन इस तरह के झटके कई बार आफ्टर शॉक के रूप में भी गिने जाते हैं और आने वाले वक्त के खतरे को लेकर भी कई बार इंडिकेट करते हैं। फिलहाल यहां पर किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूपनगर जो कि पंजाब का इलाका है, जहां पर 3.2 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटकों से धरती हिल रही है, और अब ये एक और घटना है जहां पर रूपनगर में 3.2 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। रात में ये भूकंप आया था 1:13 पर। बीती रात को ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इस बात को बताया कि ये 3.2 की तीव्रता का भूकंप था। हालांकि ये बहुत तेज झटका नहीं था, लेकिन इस तरह के झटके कई बार आफ्टर शॉक के रूप में भी गिने जाते हैं और आने वाले वक्त के खतरे को लेकर भी कई बार इंडिकेट करते हैं। फिलहाल यहां पर किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है।